हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लवली इनू फाइनेंस के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे लवली इनू की दुनिया में क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। स्पेशली जो लवली इनू की एनिवर्सरी आने वाली है 30 जुलाई, उसके बाद हमने देखा कि अगस्त के मंथ में इसके तकरीबन 15 के करीब जो है लिस्टिंग से इसका इन्फ्लुएंसर कैंपेन अलग चल रहा है, उसके बाद गिव अवेज वगैरह वो अलग चल रहे हैं। तो लिस्टिंग में क्या बाइनेंस की लिस्टिंग आने वाली है कि नहीं आने वाली, क्या वाकई में बाइनेंस इसको लिस्ट करने जा रहा है, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, सर में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि लवली इनू फाइनेंस हो, इशू इनू हो, फ्लो की इनू हो, कोई भी क्वाइन हो उसके रिलेटेड, कोई भी अपडेट्स निकल के आए, कोई भी कंटेंट्स निकल के आए, कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट के हालात, बिटकॉइन भाईजान के हालात। जी बिल्कुल, बीटीसी अभी चल रहा है 30,077 डॉलर पे चल रहा है, उसके बाद 1912 पे हमारा इथेरियम चल रहा है, 0.79 पे हमारा चौथे नंबर पे एक्सआर भी चल रहा है, उसके बाद पांचवें नंबर पे बीएनबी चल रहा है जो ऑलमोस्ट 243 डॉलर पे चल रहा है, कार्डानो 0.318 पे चल रहा है, सोलाना 26 डॉलर पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। इस मार्केट के साथ अगर हम देख लें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, तो भाई वो भी कह रहा है कि भाई मैं आज 50 स्कोर के साथ न्यूट्रल में हूँ, क्योंकि ये कल भी जो था 56 स्कोर के साथ हमें ग्रीड कंडीशन में देखने को मिला था। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि लास्ट वीक तो वो भी 64 स्कोर के साथ ग्रीड में था, और लास्ट मंथ की बात की जाए तो 47 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में देखने को मिला था। तो इस तरह ओवरऑल मार्केट के हालात है। इन्हीं हालात के साथ अगर लवली इनू को देखा जाए तो भाई लवली इनू 705 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.6 जीरोज हैं उसके बाद, 271523 इसकी करंट प्राइस, 9.4% डाउन जा चुका है, बीटीसी के हिसाब से 12% डाउन गया है, और बीएनबी के हिसाब से ये 11.9% ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। क्योंकि उसके बाद अगर हम देखें तो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो इसने अगस्त 2022 को बनाया था, 75.82% ये अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि भाई 479% ये एक साल में बढ़ चुका है, 259% 30 दिनों में, 14 दिनों में 66% और 36% ये 7 दिनों में ऑलरेडी हमें प्रॉफिट भी दिला चुका है। तो जाहिर बात है मार्केट में पंप एंड डंप तो होते रहते हैं। तो यहाँ पे मजीद बात करें लवली इनू फाइनेंस को लेकर, तो भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है लवली इनू फाइनेंस की। तो भाई यहाँ पे लवली इनू तो भाई ये लिस्टिंग शेयर करा है, उसके बाद हमने देखा क्रिप्टो इनसाइट्स की तरफ से जो लास्ट 24 घंटों में जो टॉप गेनर थे, तो उस लिस्ट में हमने देखा कि पहले नंबर पे हमें लवली इनू फाइनेंस देखने को मिला जो 13.6% का हमें गेन दिलाया। उस लिस्ट में हमने देखा कि SCLP था, लूनर था, GFL था, कायद था, QNX था, मोरा था, XIDO था, सेफमून था, और ICO वगैरह जैसे टोकन भी हमें उस लिस्ट में देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं वो लवली इनू फाइनेंस को विश कर रहे हैं, यूट्यूबर भी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे SMC कपिल देव है, उनकी तरफ से भी ये विश किया गया लवली इनू फाइनेंस को कि कांग्रेचुलेशन ऑन लवली इनू फाइनेंस सेकेंड एनिवर्सरी। जी बिल्कुल, यहाँ पे सेकेंड एनिवर्सरी के लिए वो उसको विशेज वगैरह कर रहे हैं। तो इट मीन कि जो सोशल कैंपेन चल रहा है वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो लवली इनू वॉलेट की तरफ से जो है टोकन्स का जो है गिव अवे किया जा रहा है, तो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो बिटमार्ट में जो टॉप 10 जो मोस्ट सर्च कॉइन है, तो उस लिस्ट में भी हमने देखा कि पहले नंबर पर हमें लवली इनू फाइनेंस देखने को मिला, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिटमार्ट जैसी एक्सचेंजेस पे सर्च किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि हमें ग्रोथ वगैरह तो लवली इनू फाइनेंस में देखने को मिल रही है। टीम काफ़ी अच्छी कोशिश कर रही है, क्योंकि 15 के करीब जो लिस्टिंग्स है वो इस लवली इनू को काफ़ी एक फेम के अंदर लेके जा रही है। तो वहीं पे अगर हम बात करें भाई लवली इनू की बाइनेंस को लेके लिस्टिंग, तो यहाँ पे लवली इनू सपोर्टर की तरफ से ट्वीट किया गया 11 डेज टू गो। जी बिल्कुल, 11 दिन रहते हैं उसके बाद लिस्टिंग होगी, यू विल सी बिग अनाउंसमेंट सून। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने देखा कि भाई उसकी तरफ से एक इमेज शेयर किया गया बाइनेंस और लवली इनू का, तो मैं भी 15 के करीब लिस्टिंग से, तो भाई हो सकता है कि मैं भी बाइनेंस इसको सपोर्ट करे, लिस्ट करे, लेकिन मुझे बेसिकली अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि बाइनेंस इस दफ़ा इसको जो है वो अभी इसको लिस्ट करेगा, क्योंकि बाइनेंस के कुछ खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके हिसाब से वो काम करता है। लेकिन आपका मुझसे कि मैं ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि वाकई में बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अपने थाट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।